कौन कहता है आपका स्मार्टफोन हैंग नहीं हो सकता? नीचे डोंट टच है, फिर टच करके देखिए। आई होप यार ये मैसेज भी आप लोगों तक पहुंच ही गया होगा और आपने भी कम से कम एक बार तो अपने व्हाट्सएप को क्रैश कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर जो इससे जुड़े कुछ मिथ्स हैं और एक्चुअल में इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये क्यों इस वजह से क्या हो जाता है, और एक्चुअल में मिथ्स क्या है कि यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये एक वायरस है या आपके फ़ोन में ये मलिशियस सॉफ्टवेयर इंसर्ट कर दिया जिससे हैकर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है और एक्चुअल में क्या ये वायरस है या कोई एक प्राइवेसी को आपकी लीक करने वाली चीज़ें हैं, इस बारे में आपसे बात करने वाला बताने वाला हूँ एक्चुअली में ये चीज़ है क्या और क्यों है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। देखिए आपके पास ये मैसेज पहुंच चुका है डोंट टच हेयर। अब हमारी तो यार मेंटेलिटी है ही है, स्पेशली ह्यूमंस में क्या है कि अगर जिस चीज़ को ना करने की कहना उसे ज़रूर करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे चलते हैं, यहाँ पर ये मैसेज जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो एक्चुअल में ये हैंग क्यों कर देता है आपके व्हाट्सएप को या आपके स्मार्टफोन को? एक्चुअल में क्या है कि आपका स्मार्टफोन हैंग नहीं होता, उससे सिर्फ आपके व्हाट्सएप का जो जिस चैट में आप जो है उस पर टच करेंगे सिर्फ वो चैट जो है वो हैंग हो जाती है। और हैंग होने के बाद जो आप जब उसे स्टॉप करेंगे, फोर स्टॉप करने का वेट करने की जगह अगर आप करेंगे क्लोज इट पे, ओके पे क्लिक करते हैं, तब जो है एक्चुअल में वो चैट जो है वो बंद हो जाती है, आपका व्हाट्सएप बंद नहीं होता है। तो देखिए अब बात करते हैं मैसेज की। तो यहाँ पर जो है मैसेज में अगर आप डिटेल में जाएंगे, अगर आप उस मैसेज को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट की, जिससे कि आप जो है उसके जो एक्चुअल उसके अंदर जो छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं उसे देखना चाहते हैं। मैंने ऐसा किया था जिससे कि जो पता चला कि उसमें बीच में डोंट टच हेयर से पहले काफ़ी स्पेस है उस मैसेज में, तो वहाँ उस स्पेस में एक्चुअल में बहुत 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 सारे कैरेक्टर्स हैं और ये इतने कैरेक्टर्स हैं कि एक बार में व्हाट्सएप जो आपका सॉफ्टवेयर या आपका जो एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल्ड है उसमें इतनी प्रोग्रामिंग नहीं है कि वो एक बार में इतने सारे कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर सके और स्पेशली इतने स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि वो जनरली यार वो कैरेक्टर्स नहीं है जो आप आमतौर पर अपनी चैटिंग में यूज़ करते हैं। तो आप मैसेज उसे आप कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की, वहाँ जाकर पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद शो द कैरेक्टर्स उस बटन पर करेंगे तो एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कितने सारे कैरेक्टर वहाँ पर एक्चुअल में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ इनविजिबल कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्मार्टफोन या आपका व्हाट्सएप वो जो है रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। एक्चुअल में वजह यही है। इससे पहले काफ़ी सारे यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं है, ये इससे पहले भी हुआ था, एक स्पेशल टाइप का करेक्टर है बार 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 करके एक ही चैट में सेंड कर देते तो उसका जो व्हाट्सएप है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद एक इमोजीज वाला आया था यहाँ पर सिनेरियो जिसमें हुआ था, ये बहुत सारी इमोजीज जो है अगर आप एक मैसेज में बनाकर भेज देते हैं तो आप जो है जिसे भेज रहे हैं सेंडर के व्हाट्सएप को क्रैश कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहाँ बहुत सारी इमेजेस जो थी वो यूज़ की गई थी जो कि आपको दिखाई दे रही थी, यहाँ पर उन इमेजेस को यूज़ ना करके उन इमोजेस की जगह यूज़ किया गया स्पेशल कैरेक्टर्स को जो कि एक्चुअल में दिखाई नहीं देते क्योंकि जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जो है ASCII वैल्यूज़ यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नाम की जो एक स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पर जो आपके जो भी आप जो अपने स्मार्टफोन में टाइप करते हैं जैसे एक अल्फ़ाबेट या एक नंबर या कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आप टाइप करते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू जो है आपका व्हाट्सएप जो है रीड करता है, यानी आपका जो कंप्यूटर है वो रीड करता है। रीड करने के बाद उसे आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, आप जो है जो सेंड किया होता है वो आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको दिखाता है कि हाँ ये कैरेक्टर जो है वहाँ से भेजा गया है। अब यहाँ पर होता क्या है कि वहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी जो ASCII वैल्यूज़ हैं उनकी नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जो है एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये छोटा सा मैसेज है इससे किस तरीके से आपका व्हाट्सएप क्रैश हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो व्हाट्सएप उस छोटे से स्पेस में जो है बहुत 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 सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ थाउजेंड्स 5000 में भी कितने भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है आपका जो व्हाट्सएप है वो उन चीज़ों को जो है इतनी सारी बाइनरी डिजिट्स जो इतनी सारी होती हैं उन्हें ब्रेक करने के बाद रीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका जो व्हाट्सएप है वो क्रैश हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है। बात करें वायरस वगैरह की तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी प्रैंक है आपका, थोड़ी देर बाद जो फ़ोन स्मार्टफोन है वो हो जाएगा नॉर्मल, आप व्हाट्सएप को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लीजिए, बस आपका जो स्मार्टफोन है वो नॉर्मल हो जाएगा। बस ये कोई भी आपकी प्राइवेसी को लीक नहीं करता है, ये कोई भी एक बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
और यार आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा ये क्या लफड़ा है और आप इससे नहीं डरेंगे अब आने वाली कोई भी यार ऐसी चीज़ें बग्स आप इसके कह सकते हैं। ये जो बग्स हैं वो एक्चुअल में होते रहते हैं, हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी होती है। तो अब WhatsApp के पास ये बात पहुंच चुकी है तो वो इस पर काम कर रहे हैं। अब जो है आपको अगले अपडेट में ये चीज़ ठीक हो जाकर मिल जाएगी आशा करता हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो बेशक यार वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जैसे दोबारा से मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन जिस जमाने से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो कुछ नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और मिस भी मत किया करें क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।